ऐसा है कि साहब जी, जो हाँ कहाँ से रहेंगे तो बताइए। मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है, हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसे कि चलो भोग लगे जैसे करेंगे कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम ऐसे सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करें तो करना तो चाहिए उनको, नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दी, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे। अब जाए कहाँ से जाके, अम्बाला से आ रहे हैं हम। कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ से? अम्बाला से आ रहे हैं। छह दिन हो गए, छह दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है जैसा है वो। बहुत एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिल जाना खाने के लिए उनको लिए। आप मत रोइए भैया, उनके लिए मिल जाना खाने, शांति से बैठे हैं। उनने फोन कर दिया, हाँ ये चाहिए भाई, वो चाहिए, उनके लिए आ जाएगा। हमारे लिए कौन सुनना है बताओ? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारते, वहाँ ऐसे बंदे को इतना मारा, इतना घटा दिया उसे डंडे मार मार के, ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, हम भी ऐसे जाइएगा। आप अम्बाला से ऐसे आ रही हैं बच्चे को गोद में लेकर? जी हाँ जी सर, 3-4 दिन। तो यहाँ रुक क्यों नहीं जाते फिर? यहाँ पे खाने का इंतजाम नहीं है क्या दिल्ली का? नहीं है, नहीं है सर, खाने के लिए नहीं, के लिए पीने के लिए। करते थे हम लोग जी, क्या काम करते थे? वो जो ईंट के लाएगा, जो मिस्त्री का काम करता है, बेलदारी का करते थे। 400-300 रुपये, 280 रुपये मिलते थे, तो उसका ही पैसा नहीं मिला हम लोग। तो ये हालत है, आप देख सकते हैं कि लोग अम्बाले से ही आ रहे हैं, इन्हें मध्य प्रदेश के छतरपुर जाना है, हर जगह से इनको खदेड़ा जा रहा है, इनको भगाया जा रहा है, इनको खाने नहीं दिया जा रहा है, लाठियां मारी जा रही है, रो रहे हैं, छोटा बच्चा बेहाल है, गर्मी का मौसम है। देखिए कैसे इंतजाम करके पानी को इस तरह से लेकर जा रहे हैं अपने बोतलों में कि किसी तरह ठंडा रहे, पैरों में चप्पल नहीं है, चिलचिलाती धूप है, बहुत बेइंतहा गर्मी है। इस इंसान को मध्य प्रदेश तक का सफर तय करना है। कौन सा गाँव है आपका भैया? छतरपुर जिले का, बड़ा मलेरा। कौन सा जिला है? छतरपुर। छतरपुर जिला जी। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। पैदल जाइएगा तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुँचिएगा? कुछ साधन ही ना, कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपके? चप्पल टूट गई। तो एक काम कीजिए आप, मेरा वाला आएगा पहन के देखिए, ये आएगा तो आप पहनिए। नहीं नहीं पहन लो, आपका रास्ता बहुत दूर है, मैं तो इंतजाम कर लूंगा अपना, आप पहन के देखो आता है क्या। पहन लो, क्यों निकलने का क्या परेशानी आ रही है यहाँ निकलने के लिए? बॉर्डर पार नहीं होने दे रहे। कौन नहीं पार होने दे रहा है यहाँ? पुलिस वाले सर। कहाँ से आ रहे हैं भाई आप लोग? हमारे विष्णु गार्डन से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एटा। एटा हाँ, तो पैदल पैदल जाइएगा। अब क्या करें, कुछ खाने के लिए नहीं है, रोज चावल खाएंगे, वैसे भी सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या, कोरोना हो गया, चावल खाने से भी दिक्कत आएगी नहीं, चावल ही खाएं और जाके धूप में खड़े हुए लाइन में लगे तब खाना मिलता है। तो खाने के लिए बड़ी परेशानी, लेकिन यहाँ पे तो सरकार का दावा है कि खाने का इंतजाम पूरा किया गया है। खाने पैसे ही नहीं है तो कहाँ के गंदे, और जब रूम किराया मांग रहे हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये बताइए? फेसरी से नहीं, वो गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जा रहे हैं तो ट्रेन से जाइएगा? ट्रेन से जाएंगे। तो ट्रेन तक के लिए कोई साधन नहीं था आपके पास? यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, और मिल ही रहा था वो भी पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। पैसे ज्यादा मांग रहे हैं तो आप लोग भी गुजरात के हैं? हाँ, गुजरात का, अहमदाबाद का। अहमदाबाद के हैं तो ये सब जा रहे हैं अहमदाबाद के लिए स्टेशन की तरफ। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार ने ट्रेनें तो खोल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन तक जाएं इसका कोई इंतजाम नहीं किया है। यही वजह है कि लोग बेबस होकर, बेहाल होकर, पैदल चलकर अपने अपनी जगहों पर जाने की कोशिश में हैं। जिन जो खुशकिस्मत हैं, जिनके लिए ट्रेनें चली हैं, वो तो ट्रेन तक का सफ़र जो है, रेलवे स्टेशन तक का सफ़र तय करें। लेकिन जो बदकिस्मत लोग हैं, जिनके जाने का कोई संसाधन नहीं है, ना बस है ना ट्रेन है, वो इन जैसे लोग जो मेरे पीछे यहाँ आपको दिखाऊं, ये जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रहे हैं, पैदल पैदल निकल रहे हैं, अम्बाला से आए हैं और अभी कितने 100 किलोमीटर और इनको जाना है, इन लोगों का सुध लेने वाला, इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सलमान रावी।